उत्तराखंड में चुनावी आचार संहिता के चलते पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने जगह जगह राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर हटाए तो पुलिस ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काशीपुर का नगर प्रशासन जगह जगह लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और होर्डिंग को हटाने के काम में लगा है। काशीपुर सिटी SP अभय सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से SSB की 2 बटालियन तैनात की गई है। अगर आचार संहिता के चलते कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्य लोकसभा निर्वाचन लोकसभा का उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए आदेश निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा मुख्यालय द्वारा भी समय समय पर चुनाव से संबंधित आदेश निर्देश मिले हैं, जिसके संबंध में हमारी पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ बहुस्तरीय की जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से जो अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स है उसको हमारे द्वारा एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा जो हमने एक लिस्टिंग की है शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई है उसको हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। साथ ही जिन लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस है, जो शस्त्र आवंटी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने असलहे को जमा करा दें और उसकी समय से रसीद हमारे थाने चौक में कर दें, सबमिट कर दें। इसके अतिरिक्त चूंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसमें किसी भी तरीके का कोई अगर गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा या उसमें शांति को चुनौती देने का प्रयास किया जाएगा तो हमारे द्वारा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें मतदान में भाग लें और जो लोकसभा निर्वाचन सामान्य 2024 का है इसको सफल बनाएं। लोकसभा चुनाव जिस दिन से उसका कार्यक्रम माननीय आयोग ने घोषित किया है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए इसके नोडल हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन और साथ ही जो ARO हैं, जितनी भी विधानसभा हैं हमारे जनपद में उसके ARO मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता को पालन करवाने के लिए उत्तरदायी हैं। ARO के निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत इसमें जानकारी आपको ARO से मिल सकती है। जहां पर भी 24 घंटे में हमारे जो हमारा अपना कार्यालय परिसर है यहाँ से हम पूरी तरीके से होर्डिंग पॉम्पलेट्स या ऐसी कोई भी चुनाव सामग्री जो आपत्तिजनक है उसको हटा दिए हैं। और कार्यालयों में क्या स्थिति है इसके संबंध में ARO साहब से विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों पर भी जिस तरीके से हमारे ARO साहब के द्वारा जो निर्देश हमारे अधीनस्थों को दिए गए उन्होंने कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।